Hello student, in the first part we complete up to here. Today we start from there. अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद हैं. कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक. कालवाचक, जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं. मतलब जिन अव्यय शब्दों से समय के बारे में पता चलता है. समय मतलब जैसे आज, कल, कल था, होगा, शाम को, सुबह, ये सारे समय के बारे में बताते हैं तो उसे कालवाचक कहते हैं. जैसे हिंदी की परीक्षा विज्ञान के बाद है, दीपावली के आगे भाई दूज पड़ता है. मतलब हिंदी की जो परीक्षा विज्ञान के बाद है मतलब उसके अगले दिन होगी. दीपावली के आगे मतलब उससे आगे भाई दूज पड़ता है. तो ये समय के बारे में बता रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, कालवाचक संबंध बोधक. स्थानवाचक, जो व्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं. मतलब जिन व्यय शब्दों से हमें स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं. जैसे सामान घर के अंदर रखा है. के अंदर मतलब ये घर के अंदर है, ठीक है. छत के ऊपर गेहूं सूख रहा है तो के अंदर और के ऊपर ये क्या है, स्थानवाचक संबंध बोधक. दिशावाचक, जिन व्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं, या वह दिशावाचक संबंध बोधक होते हैं. जैसे मेरे घर के सामने एक पार्क है. मतलब सामने घर के बिल्कुल ऑपोजिट, स्कूल घर से निकट है. निकट मतलब पास. तो ये दिशा बता रहे हैं, ठीक है, कौन सी दिशा में है. साधनवाचक, जो व्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं वे साधनवाचक संबंध बोधक होते हैं. जैसे समाचार लोगों तक पहुँचाने का माध्यम अखबार होता है. मतलब किसी भी साधन से जो चीज़ हम किसी तक पहुँचाते हैं तो वो क्या बन जाता है, साधनवाचक संबंध बोधक. मतलब अब जो समाचार हम लोगों तक पहुंचाते हैं वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, अखबार द्वारा. तो ये माध्यम है एक, ठीक है. मैं बस द्वारा घर चला जाऊंगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा, बस के द्वारा. तो बस द्वारा मतलब बस मेरा क्या है, एक साधन है. द्वारा मेरा, उसके द्वारा मैं घर चला जाऊँगा. नेक्स्ट इज समतावाचक, जो व्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं. समानता मीन्स कि इक्वैलिटी, एक समान होना. दोनों भाई एक समान है, मतलब दोनों एक समान है, ट्विंस हैं. दोनों कविताओं को एक तरह पढ़ो, मतलब सेम लैंग्वेज, सेम राइम्स में पढ़ो. सेम उसकी जो तरज वो सेम होनी चाहिए. हेतुवाचक, जहाँ पर रहित हेतु आदि आते हैं वहाँ पर हेतुवाचक संबंध बोधक होता है. हेतु मतलब जो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मतलब चीज़ के, या जो किसी चीज़ के योग नहीं होती, किसी चीज़ के योग्य नहीं होती, उसे बोलते हैं हेतुवाचक संबंध बोधक. जैसे तुम स्वर रहित गाना गा रही हो कि तुम्हारे जो गाना है वो उसमें स्वर नहीं है. हर जगह का जल पीने हेतु नहीं होता, मतलब हर जगह का जो जल है वो पीने योग नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, हेतुवाचक संबंध बोधक. तुलनावाचक, जो व्यय शब्द तुलना का बोध कराते हैं, मतलब किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ, कंपैरिजन, उसे क्या बोलते हैं, तुलनावाचक संबंध बोधक. जैसे सुबह की अपेक्षा शाम को अधिक ठंड पड़ती है, मतलब सुबह कम होती है शाम को ज़्यादा होती है. पढ़ाई में सुरेश मेरा हमेशा राधा से आगे रहते हैं, मतलब पढ़ाई में जो सुरेश है वो इंटेलिजेंट है, राधा उससे क्या पीछे है, तो सुरेश हमेशा राधा से आगे रहता है. ये क्या हो गए, तुलनावाचक, किसी का किसी के साथ कंपैरिजन करना. सहचरवाचक, जहाँ पर समेत संग साथ आते हैं वहाँ पर सहचर वाचक संबंध बोधक होते हैं. मतलब जिसमें हम किसी का साथ, किसी के समेत कोई चीज़ लेते हैं या उसको उसके साथ बताते हैं तो वो होता है सहचरवाचक. जैसे मैं राजू के साथ स्कूल जाऊँगा, के साथ मतलब राजू जाएगा तो मैं जाऊँगा, ठीक है. माँ बच्चों सहित बाजार गई, मतलब माँ भी गई और उसके बच्चे भी उसके साथ बाजार गए. तो ये के साथ और सहित क्या है, सहचरवाचक संबंध बोधक. अब है विरोधवाचक, जो व्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं, मतलब जो किसी के बारे में विरुद्ध उल्टा बोलते हैं उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं. जैसे मैं पापा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, मतलब मैं उनके ऑपोजिट या उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता. आज से मैं कोई उल्टा काम नहीं करूँगा, उल्टा मतलब गलत काम नहीं करूँगा. और विरुद्ध और उल्टा ये क्या हो गए, विरोधवाचक संबंध बोधक. सह संग्रहवाचक, जहाँ पर समेत भर तक आते हैं वहाँ पर संग्रहवाचक संबंध बोधक होता है, मतलब इकट्ठा होना, ठीक है. इन पंजाबी हुई से इकट्ठवाचक, ठीक है. तुम कल तक का इंतजार करो,
तुम मतलब कल तक, ठीक है, कल तक का इंतजार करो। बड़े समेत बच्चे भी बस की चपेट में आ गए, मतलब बड़े तो आए ही आए, साथ में बच्चे भी बस की चपेट में आ गए, मतलब बस के नीचे आ गए। तो ये क्या है? संग्रहवाच्य संबंध बोधक। अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, और संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक। क्रिया विशेषण जैसे तुम अंदर जाओ, बच्चा भीतर सो रहा है, स्टेशन दूर है, ये क्रिया विशेषण है जिसमें हम क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक में हम संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं। तुम घर के अंदर जाओ, बच्चा कमरे के भीतर सो रहा है, मतलब बच्चा कमरे के भीतर सो रहा है, स्टेशन घर से दूर है। तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। सो ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइज वाई सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।